वीडियो में हम आपको BTC DLED के सेकेंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे, कौन कौन से पेपर हैं और कितने नंबर के हैं। आपको इस वीडियो में DLED की बुक्स का लिंक भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जहां से आप SCRT की बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, जिसका कंटेंट भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, एग्जाम्पल्स की क्वालिटी अच्छी होती है और ओवरऑल अच्छी बुक्स होती हैं, जो कि आपको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। BTC सेकेंड सेमेस्टर में 9 पेपर हैं आपके, लेकिन आपको 7 का रिटन एग्जाम देना है और 2 पेपर आपके इंटरनल हैं, जो कॉलेज में पेपर लिए जाएंगे। 2 पेपर आपके फंडामेंटल पेपर हैं, कोर पेपर हैं, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरा पेपर आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। 100 नंबर के पेपर हैं दोनों आपके, 50-50 इंटरनल और 50 एक्सटर्नल। विज्ञान गणित आपके 50 नंबर के पेपर हैं, 25 इंटरनल और 25 एक्सटर्नल। सामाजिक अध्ययन आपका 100 नंबर का पेपर है, 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल। हिंदी अंग्रेजी आपके 50 नंबर के हैं, 25 इंटरनल 25 एक्सटर्नल। अंग्रेजी आपके कंप्यूटर की जगह पे, प्रथम सेमेस्टर में आपने कंप्यूटर पढ़ा था, लेकिन द्वितीय में आपके पास अंग्रेजी का विकल्प दिया गया है। और यहाँ पर जो लास्ट के 2 पेपर देख रहे हैं आपको, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य एवं कला संगीत, ये आपके इंटरनल हैं, 50 नंबर के हैं, कॉलेज में ही पेपर कराया जाता है। अब हम बात करते हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 यूनिट में डिवाइड है। पहली यूनिट खंड का प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ पर आपको शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन और अर्वाचीन एवं महत्व, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, मीनिंग, मॉडर्न मीनिंग, न्यू मीनिंग और एंशियंट मीनिंग एंड द इम्पोर्टेंस। तब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की, क्या कॉन्सेप्ट होता है शिक्षा का। तो आप सबको मालूम है, शिक्षा समाज में चलने वाली वह प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से या बालक के जन्म से मृत्यु तक चलती है, जिसके द्वारा मनुष्य या बालक की जन्मजात शक्तियों या इननेट पावर्स का विकास किया जाता है, उसके ज्ञान कला कौशल में वृद्धि की जाती है तथा व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है और उसको सभ्य, संस्कारयुक्त तथा योग्य नागरिक बनाया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। आगे वो मीनिंग पूछते हैं यहाँ पर, प्राचीन और अर्वाचीन। तो प्राचीन मीनिंग में क्या होता है, ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। प्राचीन मीनिंग में ही होता था, मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जाने, मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब सांसारिक जो बंधन है, जो दुख है, जो माया मोह है, उसको त्याग कर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। मानव जीवन में आने वाली जटिलताओं या कठिनताओं को अपने ज्ञान के द्वारा सफलतापूर्वक उसका समाधान कर सके। और प्राचीन जो मीनिंग है आपका शिक्षा शब्द का, वो शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा को विद्या भी कहा जाता है, तो विद्या शब्द भी आपका विद्य धातु में आ प्रत्यय लगने से बना होता है, जिसका मतलब होता है जानना, ज्ञान होना। और प्राचीन समय में जो ज्ञान होता था उसको मनुष्य का तृतीय नेत्र कहा जाता था, ज्ञानम तृतीयम मनुजस नेत्रम। तो यहाँ पर प्राचीन समय में ज्ञान को प्रत्येक प्रकार की समस्या के समाधान के लिए वह प्रकाश माना जाता था, जो जहाँ फैलेगा वहाँ समस्या आपकी समाप्त होती जाएगी। लेकिन जब हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, तो मॉडर्न टाइम में आपका एजुकेशन या शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालती है, जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं उनको बाहर लाती है। प्राचीन समय में जो आपका शिक्षा शब्द है, वो एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और एजुकेशन शब्द आपका एजुकेटम से बना है, जो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है, ई प्लस डूकू। ई का मतलब होता है यहाँ पर अंदर से, और डीकू का मतलब होता है आगे बढ़ाना। मीनिंग वही है आपका, मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना, उनको विकसित करना, उनको उस योग्य बनाना कि वो वातावरण के साथ समायोजित हो सके। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, क्या महत्व शिक्षा का। तो बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, व्यक्तिगत विकास, मूल्य को जागृत करना और उसको समाज में जीने योग्य बनाना, ये आपका इम्पोर्टेंस हो जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक। अब शिक्षा के उद्देश्य क्या है, आपको ये पढ़ना है इस यूनिट में। शिक्षा के उद्देश्य जो मेन उद्देश्य है शिक्षा के, वो आत्मानुभूति और आत्माभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रियलाइजेशन,
इसके बाद हम उद्देश्यों की बात करते हैं जो मेन है, जिन्हें आप कैटेगराइज कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास कल्चरल डेवलपमेंट, नैतिक एवं चारित्रिक विकास मॉरल डेवलपमेंट और करेक्टर डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास उत्तम नागरिकता का विकास गुड सिटीजनशिप, आध्यात्मिक चेतना का विकास, और मॉडर्न टाइम की हम जब बात कर लेते हैं तो जनसंख्या शिक्षा पर्यावरण शिक्षा देश का आधुनिकीकरण राष्ट्रीय एकता अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की प्राप्ति मतलब इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये आपके क्या हो जाते हैं उद्देश्य हो जाते हैं शिक्षा के। और वर्तमान समय में कौन कौन से जो कारक हैं शिक्षा को प्रभावित करते हैं शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं आप सब जानते हैं, पॉलिटिकल हो जाते हैं, राजनीतिक कारक हो जाते हैं आपके, सामाजिक कारक हो जाते हैं, पारिवारिक कारक हो जाते हैं आपके, आर्थिक कारक हो जाते हैं और तकनीकी कारक हो जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन शिक्षा के प्रकार औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा दूरस्थ शिक्षा। टाइप्स तो बहुत होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 टाइप हैं, औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, औपचारिक को हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक को हम बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन। और डिस्टेंस एजुकेशन को हम निरौपचारिक शिक्षा भी बोल सकते हैं या नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी बोल सकते हैं। जब हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की, तो औपचारिक शिक्षा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होती है जिसमें डेफिनेट होते हैं टीचर स्टूडेंट करिकुलम टाइमिंग, एक बाउंडेशन में बंधी होती है आपकी, मतलब एक निश्चित जगह पे होती है, निश्चित उद्देश्य होते हैं, निश्चित लक्ष्य होते हैं। जैसे औपचारिक शिक्षा करने के बाद टीचर बनेंगे आप, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, मतलब एम्स ऑब्जेक्टिव निश्चित हैं आपके, टीचर निश्चित हैं आपके, सिलेबस निश्चित है और एक फिक्स टाइम होता है कि आपका 2 ईयर का कोर्स है 4 ईयर का कोर्स है, तो एक लिमिट में होती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की, तो अनौपचारिक शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा होती है जो बालक के जन्म के बाद से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से कहीं जा रहे होते हैं तो ऑटो में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तो आप जो लोग होते हैं आपस में बात करते हैं, आप उनको सुनते हैं, उनका एक्सपीरियंस लेते हैं, तो ये वो शिक्षा है जो आपके व्यवहारिक रूप से चलती रहती है, कोई लिमिट नहीं होती, कोई बाउंडेशन नहीं होता है, किसी भी टाइम कहीं भी अनवरत प्रक्रिया है आपकी। लेकिन जब हम बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा की या निरौपचारिक शिक्षा की या नॉन फॉर्मल एजुकेशन की या डिस्टेंस एजुकेशन की, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव करिकुलम मेथड डेफिनेट होते हैं बट ये फ्लेक्सिबल होती है, जिसको हम बोलते हैं ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन या पत्राचार की शिक्षा, खुली शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा। जो लोग किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम की वजह से औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं वो लोग दूरस्थ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके माध्यम से अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है आपका प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से एलिमेंट्री एजुकेशन आपकी प्रारंभ हुई है वो आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन का डेवलपमेंट है आपका बैकग्राउंड है वो 3 पार्ट में डिवाइड है आपका, प्राचीन काल मध्यकाल आधुनिक काल एंशियंट टाइम मिडिएवल और मॉडर्न टाइम। जो एंशियंट टाइम या प्राचीन काल की जब हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में भी 2 काल में डिवाइड रहता है आपका, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली। और गुरुकुल प्रणाली में क्या होता था, जो शिक्षा का आधार होता था वेद उपनिषद होते थे, गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा होती थी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होती थी, संस्कृत माध्यम होता था शिक्षा का, उद्देश्य क्या होता था शारीरिक विकास मानसिक विकास चारित्रिक विकास तथा सामाजिक विकास, और इसके साथ साथ में नैतिक विकास की भी बात की है। शिक्षा निःशुल्क होती थी लेकिन जब बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाता था तो बालक का उपनयन संस्कार कराया जाता था, उपनयन संस्कार के बाद ही बालक गुरुकुल में प्रवेश पाता था। उपनयन संस्कार के बाद हम बालक को यहाँ पर द्विज कहते हैं। उपनयन संस्कार की भी एक एज होती थी, किस एज में करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो ब्राह्मण बालक होते थे उनका 8 साल में होता था, जो क्षत्रिय बालक होते थे उनका 11 साल में होता था, और जो वैश्य बालक होते थे उनका 12 साल में होता था। और जैसी शिक्षा आपकी समाप्त होती थी, समापवर्तन संस्कार भी होता था, जो आपका आज के टाइम में भी होता है, जिसको हम बोलते हैं कन्वोकेशन, ठीक है, दीक्षांत समारोह। उस समय शिक्षा का एम था सा विद्या या विमुक्ति, जो कि आप शंकराचार्य के द्वारा
दिया गया है। विद्या वह है जो, शिक्षा वह है जो आपको मोक्ष की प्राप्ति कराए। मोक्ष का मतलब यहाँ पर सांसारिक दुख है, माया मोह है, और जो बंधन है, जटिलताएं हैं जीवन में, उन जटिलताओं से कैसे दूर हमको होना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा की। बौद्धकालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा में कुछ कुरीतियाँ थीं, कुछ दोष थे जिसकी वजह से इस शिक्षा का उदय हुआ। वैदिक काल में क्या था, जो शिक्षा थी उसमें ब्राह्मणों का आधिपत्य था, प्रत्येक वर्ग के लिए शिक्षा समान नहीं थी। लेकिन बौद्ध धर्म की जब शिक्षा आई तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने वैदिक कालीन शिक्षा में प्रत्येक वर्ग के लिए जो नहीं था उसको भी इन्होंने प्रत्येक वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। एक समान शिक्षा थी, निःशुल्क शिक्षा थी। जैसे प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल में होती थी, बौद्ध काल में शिक्षा मठों तथा बिहारों में होती थी, और शिक्षा का माध्यम लोक भाषा पाली भाषा थी जो कि उस समय प्रचलित भाषा थी। जैसे प्राचीन काल शिक्षा में या गुरुकुल शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था, तो बौद्ध काल में भी पबज्जा संस्कार होता था। पबज्जा संस्कार के बाद बालक मठ तथा बिहार में प्रवेश पाता था। उसके बाद हम बालक को श्रवण सामनेर कहते थे, और जो बालक के गुरु होते थे उनको हम भिक्षु कहते थे। ठीक है, जब बालक का पबज्जा संस्कार होता था तो बालक को तीन लाइन बोलने को कहा जाता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद बालक को मठ तथा बिहार में प्रवेश मिल जाता था। बौद्ध काल में भी शिक्षा की दशा अच्छी थी। आपने सुना होगा तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, काशी, जगदता, ये सब प्राचीन बहुत बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं जो कि जाने जाते हैं अपनी शिक्षा प्रणाली के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा या मुगलकालीन शिक्षा। मुगलकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, और जो आपका मध्यकालीन या मुगलकालीन शिक्षा थी उसकी जो, जैसे गुरुकुल में होती थी, बौद्ध काल मठों बिहारों में होती थी, यहाँ पर जो शिक्षा होती थी वो मकतब तथा मदरसों में होती थी। मकतब शिक्षा के प्राथमिक केंद्र थे और मदरसे शिक्षा के उच्च केंद्र थे। यहाँ पर काजी मौलवी आपको शिक्षा ग्रहण कराते थे, और यहाँ पर भी चार वर्ष चार माह चार दिन की अवधि पर बिस्मिल्लाह संस्कार कराया जाता था। उसके बाद बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी। तीनों शिक्षा में गुरु से संबंध काफ़ी मधुर होते थे, रिलेशन पिता पुत्र के समान होते थे, और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। जो आपका गुरुकुल और बौद्धकालीन शिक्षा थी, इन दोनों में एक समान यह था, दोनों को भिक्षाटन के लिए, भिक्षा मांगने के लिए जाना होता था। लेकिन मध्यकाल की जो शिक्षा थी बहुत ज़्यादा कठोर थी। यहाँ पर शारीरिक दंड का बहुत प्रावधान था, यहाँ पर बालकों को शारीरिक यातनाएँ भी काफ़ी दी जाती थी। लेकिन शिक्षा पर यहाँ पर काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन जो बौद्धकालीन और प्राचीनकालीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें बच्चों के लिए शारीरिक दंड कठोर नहीं था, बस उनके लिए अनुशासन में रहना सिखाया जाता था। लेकिन जब हम बात करते हैं आधुनिक कालीन शिक्षा या मॉडर्न टाइम की एजुकेशन की बात करते हैं, तो चार्ल्स ग्रांट को मॉडर्न एजुकेशन का फादर कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। और तो आपकी जो आधुनिक शिक्षा है वो भी टू पार्ट में डिवाइड है, एक स्वतंत्रता से पहले, एक स्वतंत्रता के बाद, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले क्या था, ईसाई मिशनरी यों के प्रयास से प्रारंभ हुआ। ईसाई मिशनरी ने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज खोले कानपुर, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में। उसके बाद 1813 का आज्ञा पत्र आया, फिर 1833 का आज्ञा पत्र आया, फिर ऑकलैंड का घोषणा पत्र आया था 1839 में। उसके बाद बुड डिस्पैच आया था 1854 में। बुड डिस्पैच आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कार्टा है, जिसने बहुत ज़्यादा मेन रोल निभाया है वहाँ पर। बुड के घोषणा पत्र के बाद में हंटर कमीशन आता है 1882 में, जिसने कहा था शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाए और प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। बुड डिस्पैच में क्या था, शिक्षा का माध्यम बोथ मीडियम हो, देसी भाषा में बच्चों को सिखाया जाए और टीचर ट्रेनिंग कोर्स को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद हंटर कमीशन के बाद में हरटांग समिति आती है 1929 में, उसमें भी प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए बात की जाती है। फिर उसके बाद में शिक्षा आती है आपकी बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना, जो महात्मा गांधी के द्वारा दी जाती है 1937 में। इन्होंने शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए बात कही थी।
7 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा हो जो कि हस्तकला पर आधारित हो। इसके बाद स्वतंत्रता से पूर्व का हो गया है, अब स्वतंत्रता से बाद की हम बात करते हैं। विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था आपका 48-49 में डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा। इसके बाद मुदालियर आयोग का गठन हुआ था 52-53 में, 1952-53 में। यहाँ पर भी शिक्षा की बात की गई थी, प्राथमिक शिक्षा का विकास किस प्रकार से किया जाए। इसके बाद में कोठारी आयोग है जिसको हम बोलते हैं भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66, ये आपको पढ़ना है। नई शिक्षा नीति 1986 और इसका क्रियान्वयन हुआ था आपको 1992 जिसको हम बोलते हैं POA, ये भी आपको पढ़ना है 1992। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है आपका प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक। अब यहाँ पर आपको जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, एजुकेशनल थॉट्स हैं, उनको पढ़ना है, कौन कौन से एजुकेशनल स्कूल हैं। पहला आपका आदर्शवाद, दूसरा आपका प्रकृतिवाद, तीसरा आपका प्रयोजनवाद। आदर्शवाद को हम बोलते हैं आइडियलिज्म, प्रकृतिवाद को हम बोलते हैं नेचुरलिज्म और प्रयोजनवाद को हम बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। जो आदर्शवाद है यहाँ पर, इसके जो आपके प्रवर्तक हैं, जो समर्थक हैं, वो हैं प्लेटो हैं, यहाँ पर सुकरात हैं, फ्रोबेल हैं। आदर्शवाद टीचर सेंटर्ड है, यहाँ पर अध्यापक केंद्रित शिक्षा है जो बालकों के अंदर नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास करते हैं, पशु से बालक को मनुष्य बनाते हैं, मनुष्य से देवत्व की ओर अग्रसर करते हैं। आदर्शवाद में क्या होता है, विचारों को इम्पोर्टेंस देते हैं। पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो ब्रह्मांड को ईश्वर से निर्मित मानती है और यह मानती है कि वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं। आदर्शवाद में क्या होता है, बालक को ये आध्यात्मिक जीवन जीने को प्रेरित करते हैं, शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर करते हैं और बालक के अंदर नैतिक गुणों का विकास करते हैं जो कि स्वाभाविक रूप से होते हैं, जिसके निर्माण के लिए इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों का निर्माण करना, बालक के अंदर बालक को अनुशासित बनाना और बालक के अंदर आध्यात्मिकता को करना। और मेन नियम था इनका आत्मानुभूति आत्माभिव्यक्ति। आत्मानुभूति का मीनिंग है यहाँ पर बालक अपने अंदर के एक्सप्रेशन को बिना किसी हिचकिचाहट के किसी के सामने एक्सप्रेस कर सके। लेकिन जब आत्मानुभूति की बात करते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को ऑब्जर्व कर सके, अपनी कमियों को समझ सके, अपने दोषों को जान सके, तो इनके प्रमुख थे। लेक्चर मेथड की बात करते थे ये लोग, शिक्षा को एक बहुत सिस्टमेटिक वे में इन्होंने रूप दिया। फिर उसके बाद आता है आपका प्रकृतिवाद, जिसके जो समर्थक हैं आपके रूसो हैं, वहाँ पर बैकन हैं आपके, हर्बर्ट स्पेंसर हैं। इन्होंने माना है कि जो एजुकेशन थी चाइल्ड सेंटर्ड थी, बाल केंद्रित थी, यहाँ पर टीचर का कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं था, स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया था। और इन्होंने प्रकृतिवाद ने ईश्वर की जो सत्ता है उसको नकार दिया था। इन्होंने कहा था संसार की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकृति या नेचर आपका क्या होता है। नेचर वह होता है जिसका निर्माण स्वतः ही होता है, जो स्वतः ही विकसित होते हैं, जिसमें मनुष्य का हाथ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी, नदी, पहाड़, समुंदर, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बादल, वर्षा, जो चीज़ें आप देखते हैं नेचर में जो अपने आप से निर्मित होती हैं, अपने आप से नष्ट होती हैं। ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड है, इन्होंने माना है नेचर इज़ द सुप्रीम पावर, जो प्रकृति है सर्वोच्च सत्ता है, प्रकृति की साये में ही बालक को हम शिक्षित करेंगे बिना किसी बाउंडेशन के। तो बालक के जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जनजात शक्तियां हैं, बहुत अच्छे से डेवलप होंगी। अगर हम बालक को रोकते हैं, टोकते हैं, तो बालक उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाता है। तो क्या था, बालक को फ्री छोड़ना है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है इन्होंने। और जो सेंसेस के द्वारा ज्ञान मिलता है वो ज्ञान बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेबल होता है और बहुत ज़्यादा उसकी पीरियड ड्यूरेशन होता है, स्थायी रहता है। इन्होंने टीचिंग मेथड बताएं, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, अनुभव के द्वारा सीखना या अवलोकन के द्वारा सीखना। तो इस तरह से सीखने में बालक को बहुत ज़्यादा सुविधा होती थी और बालक आसानी से सीखते थे, क्योंकि टीचर का बाउंडेशन नहीं होता था। बाउंडेशन नहीं होता था लेकिन टीचर एज ए गाइड बच्चों को मोटिवेट करता था, बच्चों को ऑब्जर्व करता था, जहाँ पर गलतियाँ होती थी उन गलतियों को सुधारने में वो प्रयास करता था। तो क्या है, प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो ब्रह्मांड को प्रकृति के द्वारा रचित मानती है और भौतिक संसार को ही सत्य मानती है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मनुष्य जीवन का प्रमुख उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है और प्रकृति के अनुरूप रहना है। तो ये यहाँ पर हैं, इन्होंने भी विज्ञान की शिक्षा की बात की थी,
कि शिक्षा के अंदर वैज्ञानिकता का समावेश हो, सामाजिक शिक्षा की अवहेलना करते हैं, पुस्तकीय ज्ञान की अवहेलना करते हैं। स्त्री शिक्षा पर इन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन बात स्त्री शिक्षा की भी इन्होंने की है। इसके बाद आपका आता है प्रयोजनवाद। जब हम प्रयोजनवाद की बात करते हैं तो ये भी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अनुभव के आधार पर है। ये बालक को एक्सपीरियंस देकर सिखाना चाहते हैं, बालक को वो एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। वो एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा? स्कूल में मिलेगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा है स्कूल इज़ द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, विद्यालय समाज का लघु रूप है, जहाँ पर बालक अपनी आंतरिक क्षमताओं को बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे, चीज़ों को सीख सकेंगे अनुभव के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से। और प्रयोजनवाद का मतलब ये यही है कि क्रियाओं के माध्यम से ही हम अनुभव को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एक्सपीरियंस को हम गेन करते हैं। तो ये भी वैज्ञानिकता की बात करते हैं, साइंटिफिक मेथड पर रहते हैं। इनके जो समर्थक हैं आपके जॉन डीबी हैं, किलपैट्रिक हैं, चार्ल्स पियर्स हैं। जॉन डीबी, किलपैट्रिक वह हैं जिन्होंने प्रयोजनवाद एबो प्रयोजना विधि दी है, प्रोजेक्ट मेथड आपका दिया है। प्रयोजनवाद के अनुसार वह सत्य है जो प्रूव हो जाए। ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते हैं, प्रकृतिवाद ने ईश्वर की अवहेलना नहीं की थी, लेकिन प्रयोजनवाद ईश्वर को नहीं मानता है, वो मानता है ब्रह्मांड या जो दुनिया है वो क्रियाओं का परिणाम है, क्रियाएँ घटती हैं और प्रोडक्ट क्रिएट होता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम की बात की है इन्होंने, संसार क्रियाओं का परिणाम है, बालक अनुभव लेगा, स्कूल में आएगा, तरह तरह की क्रियाओं के माध्यम से नॉलेज सीखेगा। ये भी इंद्रियजन्य शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय विचारक की। ये आपको पढ़ना है, इसमें भारतीय विचारक कौन कौन पढ़ने हैं, विवेकानंद पढ़ने हैं आपको, रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ने हैं आपको, महात्मा गांधी पढ़ने हैं आपको, डॉक्टर राधाकृष्णन पढ़ने हैं और गिजुभाई वदेका पढ़ने हैं। जब विवेकानंद की हम बात करते हैं तो विवेकानंद आदर्शवाद के समर्थक हैं आपके, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो प्रकृतिवादी विचारधारा के हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं तो प्रयोजनवादी विचारधारा के हैं, आदर्शवादी विचारधारा के हैं। इनका ये हर दर्शन में समाहित है, इनके दर्शन को हम बोलते हैं सर्वोदय दर्शन। डॉक्टर राधाकृष्णन की बात करते हैं, इन्होंने एजुकेशनल थॉट दिए हैं आपको। गिजुभाई वदेका, इन्होंने बालकों की शिक्षा के लिए, बालकों के लिए बहुत कहानियाँ लिखी हैं और इन्होंने बालकों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। इनको मूछों वाली दादी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पाश्चात्य विचारक कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। प्लेटो पढ़ने हैं आपको, रूसो पढ़ने हैं, जॉन डीबी पढ़ने हैं, फिरोबेल पढ़ने हैं और मैडम मरिया मॉन्टेसरी पढ़नी है। प्लेटो आपके आदर्शवाद के हैं, रूसो आपके प्रकृतिवादी विचारधारा के हैं, जॉन डीबी प्रयोजनवादी विचारधारा के हैं, फिरोबेल आदर्शवादी विचारधारा के हैं। फिरोबेल ने एक शिक्षण पद्धति दी है जिसको हम बोलते हैं किंडरगार्टन पद्धति, ठीक है। और डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी आपकी, इन्होंने जो शिक्षण पद्धति दी है उसको हम बोलते हैं मॉन्टेसरी प्रणाली। जो फिरोबेल की और मॉन्टेसरी की टीचिंग प्रणाली है, फिरोबेल बालक को प्ले खेल के माध्यम से सिखाना चाहते हैं और मैडम मरिया मॉन्टेसरी बालक को इंद्रियों के अनुभव के द्वारा सिखाना चाहती हैं। आगे बढ़ते हैं खंड खामे शिक्षा और समाज। इस वाले पोर्शन में हम शिक्षा और समाज की बात करेंगे, किस प्रकार से शिक्षा समाज एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका शिक्षा और समाज का अंतर संबंध। शिक्षा क्या है आपकी? मनुष्य की आंतरिक क्वालिटी को डेवलप करती है, नेट पावर को डेवलप करती है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, जिनमें रिलेशन रहते हैं। तो शिक्षा और समाज में क्या संबंध है आपको यहाँ पर पढ़ना है। आगे आप सेकेंड पॉइंट में पढ़ेंगे शिक्षा के प्रभावी कारक, परिवार, समाज, विद्यालय, राज, जन संचार के साधन। शिक्षा को किस प्रकार से डेवलप करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, प्रभावी कारक है परिवार है। परिवार में ही बालक जन्म लेता है, परिवार से ही सीखता है, परिवार में ही संस्कार लेता है और जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं वो भी परिवार में ही मिलते हैं। बालक समाज में जाता है, परिवार से निकलने के बाद थोड़ा बड़ा होता है, आस पड़ोस में जाता है, आस पड़ोस से भी सीखता है। परिवार आस पड़ोस से सीखने के बाद बालक का प्रवेश होता है विद्यालय में, जहाँ वह सुव्यवस्थित रूप से एक संगठित वे में एक सीक्वेंस में अपनी नॉलेज को डेवलप करता है, नॉलेज को गेन करता है, एक्सपीरियंस लेता है। तो विद्यालय हो जाता है। राज्य और जनसंचार साधन, जनसंचार के साधन न्यूज़पेपर है आपका और जो भी आपकी कंटेंट है जो आपको नेट पे मिलता है या प्रिंट फॉर्म में मिलता है वो आपके जनसंचार के साधन हो जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के कारक। यहाँ पे पढ़ना है शिक्षा के द्वारा कैसे समाज में परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? हमारे रहने सहने के ढंग में जो परिवर्तन होता है वो सामाजिक परिवर्तन है। जैसे पहले आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वास कुरूतियाँ थीं, लेकिन अब शिक्षा के माध्यम से बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। जाति पात हो गया है आपका, छुआछूत हो गया है, काफ़ी चीज़ें पुराने टाइम की जगह से अब चेंज हो गए। तो कैसे चेंज हुए? शिक्षा के माध्यम से चेंज हुए हैं।
तो यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन आपको पढ़ना है, सोशल चेंज पढ़ना है, ठीक। आगे आपको पढ़ना है विद्यालय और समुदाय के संबंध, विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है स्कूल एज ए कम्युनिटी, विद्यालय समुदाय के रूप में किस प्रकार से है और सामुदायिक किस प्रकार से निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में आपको एक छोटी सोसाइटी मिलती है, कोई बच्चे गांव से आता है, कोई शहर से आता है, कोई अर्बन, कोई रूरल, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, इकोनॉमिकल आपके फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो यहाँ पर आपको वो जो समाज में देखने को मिलता है वो सब कुछ देखने को मिलता है एक छोटे फॉर्म में। यहाँ पर आपकी जो क्षमताएँ होती हैं उनको डेवलप किया जाता है। 0.5, अब हम बात करते हैं यहाँ पर उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे, कौन कौन से करंट इश्यू हैं जो आपके इमर्जिंग फॉर्म में हैं। तो सबसे पहले शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता, किस प्रकार से शिक्षा को ग्लोबलाइज किया गया है और किस प्रकार से आप लोगों को समान अवसर प्राप्त हुए हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण और इस पर नियंत्रण, यहाँ पर आपको पढ़ना है किस प्रकार से शिक्षा प्राइवेट सेक्टर में गई है, किस प्रकार से उसमें चेंजेस हुए हैं और किस प्रकार से इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है आपका बचपन छीनता बाल श्रम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में। यहाँ पर जो आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं सड़कों पे कूड़ा बीनते रहते हैं या किसी चाय की दुकान पे चले जाएंगे तो बर्तन धुलते मिल जाते हैं, किस प्रकार से हम बच्चों को बाल श्रम से रोकें और उनको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा RTE 2009 के अकॉर्डिंग उनको विद्यालय भेजने में सफल हो पाएँ, यहाँ पर ये पढ़ना है। अब आगे आपको पढ़ना है जनसंख्या शिक्षा के बारे में, क्यों जनसंख्या शिक्षा की नीड है, क्या आवश्यकता है, क्यों हमको पढ़नी है। फिर आगे आप पढ़ेंगे जातिवाद, अलगाववाद और इसके दुष्परिणाम क्या हैं, वर्तमान समय में क्या इसकी आवश्यकता है। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ना है, किस प्रकार से आप पर्यावरण के प्रति अवेयर होंगे। पर्यावरण संरक्षण के बारे में आपको पढ़ना है, क्यों हम कैसे इसके प्रति अवेयर हो पाएंगे। यहाँ पर आपको जल संचयन के बारे में पढ़ना है, किस प्रकार से हम जल का रक्षण करें, किस प्रकार जल का बचाव करें, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जल का इतना ज़्यादा लॉस होता है कैसे हम उसको रोकें। यहाँ भूमि संरक्षण की भी बात करनी है आपको, ये भी आपको पढ़ना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे भूमंडलीय ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पढ़ना है, जलवायु परिवर्तन के कौन से कारक उनके बारे में आपको पढ़ना है और ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है आपको। आगे आप पढ़ेंगे लैंगिक समानता तथा उसका प्रभाव, शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व संवेदनशीलता का विकास। यहाँ पर आप पढ़ेंगे जेंडर का कोई मॉडर्न टाइम में इश्यू नहीं है, यहाँ पर लड़के लड़कियाँ सभी इक्वल आगे बढ़ रहे हैं। आगे आप पढ़ेंगे जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका, समाज पर इनका बहुआयामी प्रभाव। जनसंचार के माध्यम आपका न्यूज हो जाएगा, आपका प्रिंटेड फॉर्म का मटेरियल हो जाएगा, मैगजीन हो जाएंगी, किस प्रकार से इन्होंने व्यक्तियों के अंदर एक संवेदनशीलता बढ़ाई है, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगला है आपका शिक्षा एवं मानवीय मूल्य, शिक्षा के द्वारा कैसे बालक के अंदर हम मानवीय मूल्यों को डेवलप करें, कैसे बालक के अंदर नैतिकता का समावेश करें। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है मानवीय मूल्यों की शिक्षा, उसका क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा मूल्यों के विकास में परिवार, समाज, विद्यालय की भूमिका, बालक के अंदर जो वैल्यूज आते हैं परिवार की क्या भूमिका होती है, समाज की क्या भूमिका होती है और विद्यालय की क्या भूमिका होती है, आपको पढ़ना है। यहाँ पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की बात करनी है हमको और लोकतांत्रिक वैज्ञानिक तकनीकी दृष्टिकोण का विकास, ये भी आपको इसमें पढ़ना है। बस सिलेबस में आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको इस पेपर की बुक का लिंक दे दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो भी आपके जल्दी ही आ जाएगी। थैंक यू।